नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रिव्रत दीक्षित। आई ले चलते हैं आपको दिन में की कुछ खास खबरों की ओर। सिवहारा थाना क्षेत्र के ग्राम हरौली से 3 दिन पूर्व 19 वर्षीय छात्र के गुम होने के बाद सिवहारा थाने में गुमशुदगी दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन पुलिस द्वारा तलाश न करने पर हरौली के सैकड़ों ग्रामवासियों ने आकर थाना अध्यक्ष से जल्द तलाश करने की अपील की। बता दें कि नितिन पुत्र नरेश निवासी ग्राम हरौली, जो कि गांव के ही कल्लू सिंह के कोल्हू पर काम करता था, काम करने के बाद जब वह घर नहीं लौटा तो घर वालों को इसकी चिंता हुई और उन्होंने उसे काफी ढूंढा, जिस पर छात्र के न मिलने पर सिवहारा पुलिस को 3 दिन पूर्व प्रार्थना पत्र दे दिया गया था, लेकिन हल्का इंचार्ज की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं पाई है। वहीं थाना अध्यक्ष ने ग्रामवासियों को यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही छात्र को ढूंढ लिया जाएगा और हल्का इंचार्ज को निर्देश दिया कि तत्काल इसका खुलासा करें कि छात्र कोल्हू से घर गया तो रास्ते में कहां गायब हुआ है। पुलिस की लापरवाही से छुप दोकर आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम। सिवहारा क्षेत्र में सनसनी वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि क्षेत्र के ग्राम हरौली से 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुए एक युवक की सकुशल बरामदगी को लेकर उसके परिजनों ने थाने आकर पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि जिस थानाध्यक्ष से वह गुहार लगाने हैं वे कोई कार्रवाई न करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार नितिन कुमार पुत्र नरेश कुमार, जो कि गांव के ही कोल्हू पर काम करता था, बीते गुरुवार को गया तो काम पर था पर वापस घर नहीं लौटा, जिसकी सूचना परिवार ने तुरंत पुलिस को दी, पर अभी तक गायब युवक का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद चिंतित परिजनों ने थाने पहुंचकर अपने बेटे की सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस एक्शन में नहीं आई। बीते दिन नितिन का शव नहर में पड़ा मिला, जिस पर नुपुर पुलिस ने सिवहारा पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने नितिन के परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया। नितिन के शव की पुष्टि होने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया और थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। बीती रात लगभग 9 बजे पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस पर सही समय पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। गुस्साए ग्रामीणों ने यह तक कहा कि ऐसे थाना अध्यक्ष को प्रभार मुक्त कर कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां ये लोग जनता की जान से न खेल सके, जिसे ग्रामीणों द्वारा सड़क पर जाम लगाया गया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने समझा बुझा कर ग्रामीणों को जाम खोलने का काम कर रहा था, लड़का फोन करके कोल्हू को बुला लिया, मुकदमा सब बुलाया था, हम जंगलों में ढूंढते फिरते रहे, रोटी खा पी हमने, जब ढूंढा मगर मेरा कोल्हू नहीं होगा, हमें न बुझा भैया आ गया नहीं आया, इस पूरी मामले की जांच कर हमें ढूंढ लगे दो कहीं नहीं मिला, तो हम लोगों को किसी ने बताया लो ना, बात करते जाओ नहर पर, तो ने बताया हमें नहर पर जाकर बात करता गया, किसी का फोन पर बुला नहीं थी नाम करने के लिए, तो मैं अपने बाबा से कहता हूँ कुछ बात नहीं रही थी, मैंने कहा कि बात नहीं रही थी, मेरा बाबा चला आज आज आपको क्या मतलब, आज मुझे क्या मतलब, क्या नाम है आपका? नरेश जी, ये सारे लोग इकट्ठे होकर आए थाने में, क्या मामला है? तीन तारीख से क्या नाम है लड़के का? तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने थाने में दर्ज कराई थी? आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज लाश मिली, अभी पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नहीं पकड़ पा रही है,
और पुलिस ये कह रही है कि हमारे साथ लल्ला भी हो जा ना, हम आखिरी कॉल दिखा दी तो बात है। 3 दिन से लापता था आपका बच्चा, 5 दिन क्या आज होगी सर, जाकर आने के बाद पुलिस आपके यहाँ पूछताछ के लिए गई है। नहीं 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 नही